कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई। वो बेटी को परेशान करने वाले आरोपी को समझाने पहुंचे थे और तभी उसने अपने पिता और दोस्त के साथ मिलकर पेट और कमर में चाकू से कई वार कर दिए। घटना मंडवा बस्ती टेंडर 2 की है। गोरखपुर जबलपुर थाना पुलिस ने आरोपी उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर थाना प्रभारी ब्रजभान सिंह के मुताबिक ब्रजमोहन नगर रामपुर निवासी बसंत पटेल अपने घर में किराने की दुकान चलाता था। वो कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष था। उसके पड़ोस में रहने वाला नमन उर्फ अभिषेक पटेल अक्सर उसकी 14 साल की बेटी से बात करता था, परेशान करने के भी आरोप है। बसंत ने नमन को टोका और उसके घर वालों से भी शिकायत की थी। वहीं बुधवार रात करीब 11:30 बजे कांग्रेस नेता अपने दोस्त दीपक कौल के साथ मोहल्ले में बर्थडे पार्टी में गया हुआ था, जहां दीपक खाना खाने लगा। बसंत कुछ आगे दुर्गा मंदिर तक चला गया। वहां उसने आरोपी नमन को समझाने के लिए बुलाया था। कुछ देर बाद बसंत की चीख सुनाई दी। दीपक दौड़कर पहुंचा तो नमन, उसका पिता राजा राम पटेल, आदित्य साहू ने उस पर चाकू से वार कर रहे थे। दीपक के मुताबिक बसंत पर हमला देख उसके घर वालों को बुलाने पहुंचा। उन्होंने बताया कि जब हम मौके पर पहुंचे तो बसंत लहूलुहान पड़ा था। तीनों ही आरोपी भाग निकले हैं। बसंत को मेडिकल कॉलेज लेकर जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं गोरखपुर पुलिस ने मामले में आरोपी राजा राम और उसके बेटे नमन उर्फ अभिषेक पटेल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका दोस्त आदित्य साहू फरार है। गोरखपुर थाना प्रभारी ब्रजभान सिंह के मुताबिक 11 बजे ही वो वहां से गश्त कर लौटे थे और इसके बाद ये वारदात हो गई। बसंत परिवार का एक लौता बेटा था। सामाजिक तौर पर वो काफी एक्टिव रहता था। कांग्रेस विधायक तरुण भनोत और नगर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू के साथ उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट है। पिता केदार पटेल गार्ड की नौकरी करते हैं। बारे में मैं कुछ सोच के हैरान पड़ गया था कि भैया के साथ कभी ऐसा हो सकता है। आपका धर्म का काम करवाते थे भैया, मेरे को बहुत दुख है मेरे को उनके लिए। लगातार यहाँ पे लेडीज को चाकू मार रहा है, किसी को पैसा छीन रहा है, किसी का कुछ कर रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं।